बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आपको चैप्टर स्टार्ट करवा दिया गया है। मैम साइमा ने आपको फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया ऑन क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स एज फार एज दे आर कंसर्न, दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स एंड इज़ फाउंड फ्रीली इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब क्रोमोसोम्स बेसिकली डीएनए या क्रोमोसोम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जा चुका है, और अब द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। यू नो, जब क्रोमोसोम्स की या डीएनए की डिस्कवरी हुई उसके बाद बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी डेवलप हुई कि आइदर डीएनए शुड बी सेट एज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, क्या जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हीं के थ्रू कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। तो इसके लिए आपको डिफरेंट थेरीज मिलेंगी, डिफरेंट जो जेनेटिस्ट थे उनका कंट्रीब्यूशन मिलेगा। उन्हीं में से एक आपको यहाँ पर थेरी मिलती है, द क्रोमोसोमल थेरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि 1902 में वॉल्टर सुटन ने प्रपोज की थी। इस थेरी का बेसिकली बैकग्राउंड ये है कि डिफरेंट, यानी सुटन ने एक चीज़ प्रपोज़ की कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर हैविंग जीन्स। जीन्स बेसिकली स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होते हैं विच आर स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि आगे जाकर नेक्स्ट जनरेशन में जब ट्रांसमिट होती हैं ये जीन्स, तो ये स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के उनको एक्सप्रेस करती हैं, या हम कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स को पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करती हैं। तो बेसिकली जीन्स आर डिफाइंड एज स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। तो अब आप जब ये पूरा अभी मैं रीड करके ईच एंड एवरी लाइन आपको कराऊंगी, आप देखेंगे इसमें डिफरेंट लोगों के नाम आएंगे। जैसे स्टार्ट में ही आप देखेंगे मेंडल वर्क से रिलेटेड आप देखेंगे, तो थोड़ी से जो मेंडल का कंट्रीब्यूशन है इस एस्पेक्ट में, या आगे चल के आप मॉर्गन का रोल पढ़ेंगे। ये लोग जो थे डिफरेंट जेनेटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए पे क्रोमोसोम्स पे काम किया, और उससे फिर ये प्रूव किया कि किस तरह से जो जीन्स हैं वो कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करती हैं नेक्स्ट जनरेशन के अंदर। तो आप जब ये क्रोमोसोम डीएनए, इसके बाद सेल साइकिल का चैप्टर पढ़ के जब आगे मूव करेंगे, जो इनहेरिटेंस के चैप्टर्स आप पढ़ेंगे, तो उसमें फिर इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा। एनीवेज, अभी आपने फोकस जो है वो इसी इन्हीं पे करना है जो लाइक यू आर फाइंडिंग ओवर हेयर इन ब्लैक एंड वाइट। सो अ सेंट्रल रोल फॉर द क्रोमोसोम्स इन हेरिडिटी वॉज फर्स्ट सजेस्टेड इन 1900 बाई जर्मन जेनेटिस्ट कार्ल कोरेंस इन वन ऑफ द पेपर्स अनाउंसिंग द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। तो मैंने बोला ना कि मेंडल ने लॉज प्रपोज किए थे इनहेरिटेंस के, ठीक है, कि किस तरह से इनहेरिटेंस चलती है और कैरेक्टर्स जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। तो उसके लॉज को देखते हो, क्योंकि वो मेंडल का वर्क बहुत पुराना था, इन लोगों के काम से पहले का काम था। तो कार्ल कोरेंस ने फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम्स को स्टेटस दिया था कि ये यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं। देन सून आफ्टर ऑब्जर्वेशंस दैट सिमिलर क्रोमोसोम्स पेयर्ड विद वन एंड अदर ड्यूरिंग मियोसिस लेड डायरेक्टली टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय द अमेरिकन वॉल्टर सटन इन 1902। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस बंदे ने क्रोमोसोमल थ्योरी जो थी वो प्रपोज की कार्ल कोरेंस के काम को आगे लेकर चलते हुए। सेवरल पीसेज ऑफ एविडेंस सपोर्टेड सटन्स थेरी, वन वॉज डेड। अच्छा, अब आप देखें कि कोई भी साइंटिस्ट होता है वो एक थेरी जो है वो प्रपोज कर देता है, फिर उस पर बहुत से लोग काम करते हैं, उस पर ऑब्जेक्शंस भी आती हैं, फिर उस थेरी को फॉर्म्यूलेट करने वाले साइंटिस्ट को अपनी थेरी को प्रूव करना होता है, तब जाकर वो ये चीज़ प्रूव होती है कि आइदर ही इज सेइंग राइट और रॉन्ग, कि वो फिर एक लॉ बनती है उसकी थेरी। तो जो सटन की थेरी थी उसको ठीक साबित करने के लिए यहाँ पर हमें डिफरेंट पीसेज ऑफ एविडेंसेस मिलते हैं। हर पैराग्राफ में आपको एक एविडेंस मिलता चला जाएगा जो ये शो करेगा कि दीज आर द क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस एंड ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑफस्प्रिंग टू पेरेंट जेनरेशन। सो
हम यहाँ बात कर रहे थे कि वन वॉज दैट रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द इनिशियल यूनियन ऑफ ओनली टू सेल्स एग एंड स्पर्म। आपको पता है जब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें जाइगोट फॉर्मेशन होती है फीमेल गैमिट एग और मेल गैमिट स्पर्म के यूनियन से। इफ़ मेंडल्स मॉडल वॉज सपोर्टेड देन दीज टू गैमिट्स मस्ट मेक इक्वल हेरिडिटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। ऐसा ही है ना कि हम ये कहेंगे कि अगर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट बनता है, वो जाइगोट जो आगे चलकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र होता है, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, या चाहे वो सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स हों, तो उनमें हम ये कहते हैं कि एग और स्पर्म के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। तो इट मीन्स एग और स्पर्म जो हैं वो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को क्रोमोजोम्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द जाइगोट, और फिर वो कैरेक्टर्स इस तरह से उस जाइगोट से न्यू डेवलप होने वाले ऑर्गेनिज्म में जो है वो क्या होते हैं, एक्सप्रेस हो जाते हैं या शो हो जाते हैं। स्पर्म हाउएवर कंटेन लिटिल साइटोप्लाज्म सजेस्टिंग दैट द हेरिडिटरी मटेरियल मस्ट रिजाइड विद इन द न्यूक्लियाई ऑफ द गैमेट्स। फर्दर मोर वाइल डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैव टू कॉपीज ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स, गैमेट्स हैव ओनली वन। दिस ऑब्जर्वेशन वॉज कंसिस्टेंट विद मेंडल्स मॉडल इन विच डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स हैव टू कॉपीज ऑफ ईच हेरिटेबल जीन एंड गैमेट्स हैव वन। फाइनली क्रोमोजोम्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस एंड ईच पेयर ऑफ होमोलोग ओरियंट्स ऑन द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंट ऑफ एवरी अदर पेयर। बच्चों अब एक एक लाइन और एक एक वर्ड जो है वो इस टॉपिक का बड़ा केयरफुली पढ़ने और समझने वाला है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और यूनियन होता है एग और स्पर्म का और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो वो जो पेरेंट्स से जो गैमेट्स के थ्रू कैरेक्टर्स थे, जो इंफॉर्मेशन थी, वो ट्रांसफ़र हो गई जाइगोट के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमोसोम्स, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौर जो होती है उसमें जब सेल डिवाइड करता है तो मियोसिस होता है, मियोटिक डिवीजन होती है। मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज़ रिड्यूस टू वन हाफ। जब सेल डिवाइड करता है मियोटिकली और वो डिफरेंट फेजेस से गुजरता है, उसके रिजल्ट में वो फोर हैप्लॉयड सेल्स बना देता है, ठीक हो गया। ये फोर हैप्लॉयड सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान फोर गैमेट्स कहलाते हैं, टू मेल गैमेट्स एंड टू फीमेल गैमेट्स। अब आप देखें कि जब मियोसिस होती है तो उसमें जो है वो क्रॉसिंग ओवर का एक फेज़ आता है जिसमें होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जो कंपैटिबल पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड दे एक्सचेंज देयर क्रोमेटिड्स विद ईच अदर। यानी क्रोमोसोम्स अपने स्मॉल जीन्स या स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम्स या स्मॉल पीसेज जो हैं वो एक्सचेंज कर लेते हैं। इस एक्सचेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स को या क्रोमेटिड्स को हम जो नाम देते हैं वो क्रॉसिंग ओवर का देते हैं। तो बच्चों जब इस तरह से क्रॉसिंग ओवर होती है तो जीन्स जो है ना वो रीशफलिंग ऑफ जीन्स हो जाता है, यानी जीन्स मिक्सअप हो जाती है ना, एक क्रोमोसोम की जीन दूसरे के पास चलेगी, दूसरे की इसके पास आ गई। अब आप देखो कि यही क्रोमोसोम जब सेपरेट आउट होते हैं और इन्होंने आगे सेग्रीगेट करना होता है, यानी कि जो न्यू सेल्स एक सेल के डिवाइड करने से जो फोर न्यू सेल्स बन रहे हैं उनमें जब जाना होता है तो ये हाफ हो जाता है नंबर, ठीक हो गया। ये जब क्रोमोसोम आके ट्रांसमिट होता है तो ये शफल्ड होके जाता है, यानी जीन्स मिक्सअप होके जाती हैं, कैरेक्टर्स हाफ फ्रॉम द मेल गैमेट एंड हाफ फ्रॉम द फीमेल गैमेट जो है वो असॉर्ट हो जाती हैं, और ये बड़ी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। आगे चलकर जब आप लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ेंगे, मेंडल के आप लॉज पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से जो जीन्स हैं वो सेग्रीगेट करती हैं और इंडिपेंडेंट तरीके से। मतलब इसको मैं बहुत आसान जुबान में अगर आपको समझाऊँ तो कहने का मकसद ये है कि जो क्रोमोसोम्स हैं या जीन्स हैं जो आगे गैमेट्स में ट्रांसफ़र होती हैं, किसी प्लानिंग के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं होती कि इस गुड जीन ने इसमें जाना है, इस जीन ने इस गैमेट में जाना है। ये बड़ी एक मतलब चांस इवेंट होता है और इसको हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का नाम कहते हैं कि जो भी क्रोमोसोम जिस भी गैमेट के पास चला गया, ठीक है। फिर आगे जब यूनियन होता है उन गैमेट्स का तो इसी हिसाब से इंडिपेंडेंटली ही ये यूनियन होता है और जाहिर है जो जिस गैमेट के पास जो जीन्स हैं वो आगे उस जाइगोट के अंदर ट्रांसमिट हो जाती हैं। तो इससे थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि जो क्रोमोसोम है, हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, के जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस।
और ऑर्गेनिज़म्स के सेल्स में कोई ऐसा ऑर्गेनेलीज या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो जीन्स को, जो कैरेक्टर्स को, इनहेरिटेंस को पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करती है, बट दीज आर ओनली क्रोमोसोम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस और जो कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसमिट करते हैं. There is, however, one problem with this theory. If Mendelian characters are determined by genes located on the chromosomes, and if the independent assortment of Mendelian traits, Mendel, मैंने बोला ना, एक जेनेटिस्ट था जिसने इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे. ट्रेट्स वो कैरेक्टर्स को कहते हैं, वो कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होते हैं, जैसे हमारा आई कलर हमारा एक ट्रेट है, हमारा कॉम्प्लेक्शन एक ट्रेट है, या हमारे अंदर अगर कोई पेरेंट्स से हमने डिजीज़ अगर इनहेरिट किया तो वो हमारा एक ट्रेट है. तो इट रिफ्लेक्ट्स द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसिस, जो मैंने अभी आपको बताया कि मियोसिस में ये ट्रेट्स, ये कैरेक्टर्स इन जीन्स के थ्रू इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं. व्हाई डज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दैट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इन अ गिवन काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफन ग्रेटली एक्सीड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स द ऑर्गेनिज्म पोजेसेस. दिस हैज लेड मैनी अर्ली रिसर्चर्स टू हैव सीरियस रिजर्वेशंस अबाउट सर्टन थ्योरी. जी, तो अब मैंने बोला ना कि सटन ने थ्योरी प्रपोज की कि क्रोमोसोम्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो उस थ्योरी पे अब ये ऑब्जेक्शंस आए कि आया ठीक है, यहाँ तक तो बात हमें लग जाती है कि क्रोमोसोम्स हैं, उनके जो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं वो जीन्स का रोल प्ले करते हैं, उनमें हमारे ट्रेट्स या हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये ट्रेट्स, ये कैरेक्टर्स या ये जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होकर आगे जो है वो ट्रांसमिट हो जाती हैं, जाइगोट बन जाता है उन्हीं एग और स्पर्म्स के फ्यूज़ करने से. लेकिन ये हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब ये किस तरीके से होता है और ये किस तरीके से प्रूव किया जा सकता है कि ये क्रोमोसोम्स के थ्रू ही होता है. तो इसके लिए 1910 में इट वॉज टी एच मॉर्गन, ही वॉज स्टडिंग एट द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर. अब जो ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर है बेटा, ये फ्रूट फ्लाई होती है आपकी, जहाँ पे फ्रूट बास्केट पड़ी होती है या घर में जहाँ आपका डस्टबिन कूड़ा वगैरह आप फेंकते हो, आप देखो उसके ऊपर छोटी छोटी सी फ्लाइज होती हैं ब्राउन कलर की, उनको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है या ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर, ये इसका साइंटिफिक नेम है. जो मॉर्गन जेनेटिस्ट था, इस बंदे ने बहुत सारी रिसर्च की थी फ्रूट फ्लाई पे, इसके क्रोमोसोम्स पे, इस क्योंकि ये फ्लाई अपना लाइफ साइकिल बड़ी जल्दी कंप्लीट कर लेती है, इसलिए उसने इसको चूज़ किया और इस पर बहुत सारे इनहेरिटेंस के एक्सपेरिमेंट्स किए कि किस तरह से क्रोमोसोम्स जो हैं वो कैरेक्टर्स को आगे ट्रांसमिट करते हैं और ये सारी चीज़ें. तो वो यहाँ पर ये बात हो रही थी कि जब वो फ्रूट फ्लाई पे मॉर्गन काम कर रहा था, तो जो फ्रूट फ्लाई होती है ना, इसका जो आई कलर होता है नेचुरली वो ये रेड आइड होती हैं, ठीक है, मेल हूँ चाहे फीमेल हूँ. लेकिन उसने बहुत सारी जनरेशन जब फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला की रेज़अप की, तो उसने देखा कि उसको कुछ म्यूटेंट आई, वाइट आई कलर वाली फ्लाई भी मिली. म्यूटेंट या म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज, म्यूटेशन वर्ड का मतलब होता है चेंज, चेंज इन द क्रोमोसोम, चेंज इन द कैरेक्टर, चेंज इन द जीन्स, ठीक हो गया. तो इट मीन्स के वाइट फ्लाई का नज़र आना या प्रोड्यूस होना, ये इस चीज़ को शो कर रहा था कि ये एक म्यूटेंट ट्रेट है. यानी नॉर्मल जो आई कलर होता है वो तो रेड होता है, तो अब वाइट आई कलर वाली मेल फ्लाई का आना, और वो फ्लाई भी जस्ट मेल थी, ये चीज़ इस चीज़ की इंडिकेशन देगी आगे जब आपको मैं क्रॉस समझाऊंगी और आप उसको बुक में भी पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रोमोसोम्स ही होते हैं जो इन, यानी किसी क्रोमोसोम के ऊपर ही वाइट आई कलर की जीन्स मौजूद थी, ट्रेट या कैरेक्टर मौजूद था जो आगे चलकर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट हुआ और वाइट आइड जो है वो फ्लाइज प्रोड्यूस हुई. लेकिन इसमें जो इंटरेस्टिंग बात सामने आई वो ये कि दिस म्यूटेशन वॉज इनहेरिटेड बाय ओनली द मेल फ्लाई, यानी जितनी भी वाइट आई कलर वाली उसको फ्लाइज मिली वो मेल्स थी, वो फीमेल्स नहीं थी. तो इस चीज़ से ये प्रूफ हुआ कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि वो कैरेक्टर्स उनकी जीन सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होती है. आपको पता है कि जो फीमेल होती है उसके पास एक्स एक्स दो क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो मेल होता है उसके पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है. तो आप आगे चल के जब हम क्रॉसेस देखेंगे, आप देखोगे कि जो वाइट आई कलर की जो जीन है ये एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद थी, सो ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट था. दैट्स वाई जब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है आगे
क्रोमोसोम्स की यानी मियोसिस में, जब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट आउट होते हैं, डिफरेंट पोल्स की तरफ जाते हैं, आपको पता है ना मियोसिस में ये स्टेप्स, ये फेजेस चलती हैं कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट होकर ना दो डिफरेंट एंड्स पे चले जाते हैं, फिर सेंटर में मेटाफेज प्लेट बनती है और आपको पता है क्लीवेज बनता है और एक सेल जो है वो डिवाइड होकर दो में मतलब चेंज हो जाता है, तो वो हाफ क्रोमोसोम एक सेल के पास चले जाते हैं और हाफ दूसरे के पास चले जाते हैं, और इस तरह हम कहते हैं कि एक डिप्लॉयड सेल से डिवीजन हुई, मियोटिक डिवीजन हुई और दो हैप्लॉयड सेल्स बन गए, और ये दो हैप्लॉयड सेल्स बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या हैं, गैमीट्स हैं यानी एग्स और स्पर्म्स हैं। मॉर्गन ने आगे क्रॉस किया, ये क्रॉस किस तरह से था कि मॉर्गन, ये आपके बुक के पेज नंबर 126 पे बेटा ये क्रॉस मेंशन है और यही वो लाइंस मेंशन है सारी, ये किस तरह से है कि मॉर्गन क्रॉस म्यूटेंट मेल टू अ नॉर्मल फीमेल, यानी रेड आई कलर वाली जो है ना वो नॉर्मल फीमेल है और म्यूटेंट मेल जिसको वो कह रहा है ना एक्स वाई म्यूटेंट मेल, ये वाइट आइड है क्योंकि म्यूटेंट कैरेक्टर है वाइट। ऑल एफ वन, अब जो इसमें एफ वन होती है ना ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन होती है, एफ टू सेकेंड जनरेशन होती है, जो एफ वन जनरेशन के क्रॉस यानी पहले हम मेल और फीमेल को शो करते हैं ये पेरेंटल जनरेशन होती है, इनके क्रॉस ये गैमीट्स बनाते हैं, इनके गैमीट्स जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं ना तो जो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं ये फर्स्ट जनरेशन हमारे पास आती है, फिर इस जनरेशन को आगे से हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास एफ टू सेकेंड फिलियल जनरेशन आ जाती है, जैसे कि आपके बुक में ये सारी चीज़ें मैं है। एनीवेज ऑल एफ वन प्रोजनी हैड रेड आइज, ही देन क्रॉस रेड आइज फ्लाइज फ्रॉम एफ वन जनरेशन विद ईच अदर, तो यहाँ पे एक नंबर आपको बताया कि जैसे 4252 उसने जितनी भी जनरेशन या प्रोजनी मतलब जनरेशन ऑर्गेनिज्म जो उसने एग्जामिन किए मॉर्गन ने, उसमें से जो 18% फ्लाइज थी वो वाइट आइज थी, यानी कि जाहिर है 1:3 रेशो आ गया, आप जब इनहेरिटेंस के लॉज पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैरेक्टर 1:3 रेशो की फॉर्म में रेज होते हैं, यानी आउट ऑफ फोर अगर सेल्स हैं या ऑर्गेनिजम्स हैं तो 3 में एक कैरेक्टर जाता है और एक में कोई भी दूसरा कैरेक्टर जाता है। यहाँ पर जब उसने रेड आइड नॉर्मल फीमेल को क्रॉस किया वाइट आइड म्यूटेंट मेल के साथ, तो जो रिज़ल्ट आया उनका जब उसने सेल्फ क्रॉस करके सेकंड जनरेशन रेज की, तो उसमें वही रेशो इस तरह से हुई कि आउट ऑफ फोर जो ऑर्गेनिजम्स या फ्लाइज डेवलप हुई, जो 3 थी वो रेड आइड थी और एक जो फ्लाई थी वो वाइट आइड थी यानी म्यूटेंट थी, और जो वाइट आइड थी वो फीमेल नहीं थी बल्कि मेल थी। तो जिससे ये प्रूफ हुआ कि जो कैरेक्टर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, जो ट्रेट्स होते हैं उनको आगे ट्रांसमिट करने का जो सोर्स है वो क्रोमोसोम्स या डीएनए ही होता है, और कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो सेक्स लिंक्ड होते हैं, दैट्स वाई दे आर कन्फाइंड टू ओनली वन सेक्स ओनली, यानी कि वो कैरेक्टर्स या तो सिर्फ आपको मेल में मिलेंगे या फिर आपको फीमेल में ही मिलेंगे, दूसरे मेंबर में नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से उसने ये मतलब क्रॉस किया और ये चीज़ प्रूव की कि क्रोमोसोम्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज इट प्रेजेंटेड द फर्स्ट क्लियर एविडेंस दैट द जीन्स डिटर्मिनिंग मेंडेलियन ट्रेट्स डू इनडीड रिजाइड ऑन द क्रोमोसोम्स एज सटन हैज़ प्रपोज्ड अर्लियर। जैसा सटन ने कहा था ना, सटन का यही था कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस है, तो आप देखें ये जो मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पे, उनसे भी ये चीज़ साबित हो गई, ये एविडेंस जो है वो सटन की थ्योरी को जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी हो गया कि क्रोमोसोम्स ही ट्रेट्स को कैरी करते हैं। सो द सेग्रीगेशन ऑफ द वाइट आई ट्रेट हैज़ 1:1 कोरस्पॉन्डेंस विद द सेग्रीगेशन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। इन अदर वर्ड्स मेंडेलियन ट्रेट्स सच एज आई कलर इन ड्रोसोफिला अजॉर्ट इनडिपेंडेंटली बिकॉज क्रोमोसोम्स डू। सो इस ये लास्ट लाइन्स में आपको ये बताया है कि क्योंकि क्रोमोसोम्स मियोसिस के दौरान इनडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, यानी क्रोमोसोम्स जब सेंट्रोमियर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है या ओपन हो जाता है और क्रोमोसोम्स की जो फोर आर्म्स क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं और हाफ जो है वो एक पोल और हाफ दूसरे पोल की तरफ चले जाते हैं, फिर किस क्रोमोसोम ने किस अगले सेल में ट्रांसफर होना है जाना है, मतलब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है। और बिल्कुल इसी तरीके से जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें मियोसिस का प्रोसेस होता है और जीन्स ने क्रोमोसोम्स ने सेग्रीगेट करके न्यू सेल्स में यानी गैमीट्स में जाना होता है, तो वो भी टोटल इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, यानी कि ये चांस इवेंट होता है कि कौन सी जीन्स वाला क्रोमोसोम किस सेल के पास चला जाए
जाए और वो वहाँ जाकर एक्सप्रेस हो जाए। तो इट वॉज ऑल अबाउट द क्रोमोजोमल थेरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसको हम इसी तरह से कंक्लूड करेंगे कि जो सटन ने थेरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज की थी, मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंटेशन से उसको प्रूव किया कि ही इज़ राइट और क्रोमोजोम्स ही यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं और डीएनए ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक इनहेरिटेंस का मटेरियल मौजूद है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसमिट करता है।